makeup magic. तो प्रियंका जी हमें अपनी स्टूडेंट बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है. आओ उनको हम हाई डेफिनेशन टीवी पे देखते हैं. हमारे जो सातवें स्टूडेंट है प्रियंका जी, प्रियंका जी आपने बहुत ही अच्छा वर्क किया है. इन्होंने कभी लगता है आईब्रो भी नहीं कराई है, फिर भी आपने बहुत ही अच्छा शेप देने की कोशिश की है. इवन लिप्स में भी नीचे का लिप्स बड़ा है और ऊपर का लिप्स छोटा है, तो आपने उसको बैलेंस करने की कोशिश की है. तो प्रियंका जी आपने अपने लिप्स के अंदर इनको ऑरेंज शेड दिया है, तो वो ऑरेंज क्यों डिसाइड किया और वो कौन सा शेड है आप उसके बारे में बताइए. और आपने आईलाइनर भी काफ़ी अच्छा किया है, तो आपको ये मेकअप करने में क्या दिक्कत आई? जब मैंने ये मॉडल को पहले देखा था तो उनके काफ़ी पिंपल्स भी थे और काफ़ी काले धब्बे भी थे, तो आपने ये कैसे किया आप जरा हमें बताइए. मैम इनके स्किन में बहुत प्रॉब्लमेटिक फेस था ये. उसमें जैसे स्पॉट्स आ रहे थे, पिंपल्स थे. उसके लिए मैंने रेड कलर का लिप लाइनर यूज़ किया एंड ग्रीन कंसीलर यूज़ किया था, देन ऑरेंज कंसीलर यूज़ किया मैंने. तो आपने रेड कलर का जो लिप लाइनर है वो कंसीलर के तौर पे यूज़ किया, आपने ग्रीन कलर का भी पिंपल्स पिंपल्स उसके लिए एंड स्पॉट्स पे यूज़ किया. और उनका एक खड्डा भी था दो आईब्रो के बीच में, वो भी नहीं दिख रहा है. हाँ, तो उसमें भी मैंने रेड कलर का लिप लाइनर यूज़ किया था, देन पाउडर एंड कंसीलर. अच्छा, तो प्रियंका जी मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि जब आप किसी मॉडल को तैयार करते हैं, तो जब फ्लोर पे होते हैं या आपकी ब्राइड को तैयार करते हैं, शादी से पहले फ़ोटोशूट होता है, तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऑयलीनेस आ रहा है फेस पे, तो बस आप ट्रांसल्यूशन पाउडर लगाएं, उनको फ्लोर पे जाने से पहले थोड़ा सा टचअप करें तो ताकि ऑयलीनेस कम हो जाए. बाकी मैं आप मनदीप जी को पूछना चाहूँगी कि आपको ये कैसा लग रहा है और आप हमें करेक्ट करके बताएं. मैम आपने जैसे बताया वैसे बहुत सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं जहाँ तक उनकी स्किन का नीचे का पोर्शन जहाँ नेक के पास देख रहा हूँ, मैं अगर ये चाहता तो इससे ज़्यादा फेयर करने की कोशिश करता इनको, क्योंकि उनका स्किन टोन इतना फेयर है, तो मुझे थोड़ा सा उनका चीक का पोर्शन जो है थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है, फोरहेड थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है, अदरवाइज वर्क इज़ टोटली फाइन. आईलाइनर बहुत अच्छे हुए हैं, लिपस्टिक बहुत अच्छा हुआ है, बट जो बेस था तो मुझे वो बेस वैसा लग रहा है थोड़ा और फेयर होता तो ज़्यादा बेटर लगता. हाँ, तो प्रियंका जी आप मुझे बताएं आपने बेस में एवास का कौन सा नंबर यूज़ किया है? एंड पाउडर 31.
तो मैं चाहूँगी कि जो एवास का आपने 106 यूज़ किया है, तो अगर आपको और फेयरनेस लानी है तो मनदीप जी मेरे ख्याल से 211 सही रहता, राइट? उसमें मिक्स करते तो मैम 211 भी यूज़ कर सकते हैं और 210 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फेयर टोन है और स्किन में अकॉर्डिंगली। तो हम 210 और 211 दोनों को मिक्स कर सकते हैं 106 के साथ अलग अलग प्रोपोर्शन में, और उसको आपका जो स्किन का शेड है वो ला सकते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है मनदीप जी कि आपने ये सीखा कि आप कोई भी शेड को मिक्स करके आपके स्किन के टोन का शेड ला सकते हैं। थैंक यू सो मच मनदीप जी। मैं सबको बताना चाहूँगी कि मनदीप जी हैं, उन्होंने ये क्लास शुरू करने से पहले हाथ में ब्रश भी नहीं लिया था, और शायद उनको फाउंडेशन किसको बोलते हैं वो भी नहीं पता था। तो आज हमारे साथ कुछ दिनों के बाद, आई थिंक तीसरा मेकअप करने के बाद, वो एक्चुअली हमारे मॉडल्स को करेक्ट कर रहे हैं। तो प्रियंका जी ने जो मेकअप किया, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, आओ हम उनको सॉल्व करते हैं। मैम ये पूछना चाहती हूँ, अगर ब्राइडल अगर वैक्स नहीं करना चाहती, फेस पे उसके बहुत हेयर है, वो वैक्स नहीं करना चाहती, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर कुछ ब्राइड है वो अपना वैक्स नहीं करना चाहती और मेकअप करते हैं आप, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो वैक्स नहीं करते तो वाओ बाल तो दिखने ही दिखने हैं। अगर वो आप बाल को छुपाना चाहते तो बेसिकली वो डार्क ब्राउन हो गया या ब्लैक कलर हो गया, तो आपको उसको ग्रीन कलर लेके हेयर के ऊपर जो साइड बन में है, जैसे आपकी अभी मॉडल है, हम देखेंगे कि अगर वो फेस घुमाएंगे तो हम देख सकते हैं कि एक साइड पे आपको वो जो ब्लैकनेस आ रही है, आप शायद वो हटाना चाहते हैं। हाँ, यही प्रॉब्लम आई है मेरी, क्योंकि उनके हेयर बहुत है। हाँ, तो ये निकालना बहुत मुश्किल है, तो ब्राइड को बताना है कि ये हम नहीं हटा सकते हैं, पर हम इसको कम कर सकते हैं, उनको शेडो के रिप में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा ग्रीन लेके उसको फाउंडेशन का पूरा वो बाल को दबाना पड़ता है, तो आप फाउंडेशन से भी दबा सकते हैं, या वो बाल को आप ग्लू आता है स्किन ग्लू उससे दबा के फिर आप उसके ऊपर ग्रीन कलर लगाना है, फिर आपको उसके ऊपर फाउंडेशन लगाना है ड्यूअल फाउंडेशन, फिर आपको उसके ऊपर ऑरेंज लगाना है, फिर वापस उसके ऊपर आपको ड्यूअल फाउंडेशन लगाना है, और उसके बाद उनका जो स्किन का शेड है वो शेड से आपको फाउंडेशन लगाना, टोटल कवरेज फाउंडेशन लगाना है। तो ऐसा करके आप उसको थोड़ा बहुत हाइड कर सकते हैं, पर आप उसको छुपा नहीं सकते। और बिफोर मेकअप वैक्स कर सकते हैं? बिफोर मेकअप आप वैक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये मेकअप है मिनरल मेकअप है, तो पिंपल जो बोलते हैं, जो हम लोगों की एक मानना है कि मेकअप लगाने से पिंपल होता है, जो पिंपल का और मेकअप का कोई लेना देना नहीं है, डिपेंड्स करता है कि आप कौन सी कंपनी का लगाते हैं। जब आप वैक्स करते हैं और उसके बाद मेकअप लगाते हैं तो उसके पोर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, तो उसके अंदर जब आपका मेकअप भरता है तो वो मेकअप ऐसा होना चाहिए कि वो ओपन पोर्स को भी ब्रीथ करने दें। तो एवास का जो मेकअप है वो पीएच बैलेंस है, प्लस उसमें टैल्क नहीं है, जब आप टैल्क लगाते हैं तो वो पोर्स क्लॉक हो जाते हैं। तो इसके अंदर सिल्क माइका यूज़ किया गया है, जिसके पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं, तो जिसकी वजह से आप जब मेकअप लगाते हैं तो आपकी स्किन ब्रीथ करती है, तो आप वैक्स करके भी एवास का मेकअप लगा सकते हैं। गैप कुछ रखना पड़ेगा इसमें? गैप लगने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने वैक्स किया है तो आपके पोर्शन जो पोर्स हैं वो ओपन हो गए हैं, तो हल्का सा आप बर्फ़ घिस सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ लगाने के कारण जो पोर्स है वो पोर्स छोटे होते हैं, क्योंकि आपका स्किन का टेम्परेचर है वो लो हो रहा है, तो उसकी वजह से जब टेम्परेचर कम होता है स्किन का तब पोर्स छोटे होते हैं, टेम्परेचर के साथ आपके पोर्स बढ़ते हैं, तो आप बर्फ़ लगा के तुरंत मेकअप कर सकते हैं। अगर ब्राइड ब्लीच करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो पिंपल्स नहीं है तो, पर अगर वो ब्लीच भी लगाना नहीं चाहती है। नहीं, पर अगर ज़्यादा बाल हो तो, हेयर ज़्यादा हो तो फिर वो उठ के नहीं आएंगे ब्राउन? वो आपके दिखेंगे ब्राउन, अगर आपने ब्लीच किया है तो आपने उसको ऑरेंज बनाया तो वो ऑरेंज को आपको कंसील करना है, तो आप उसके ऊपर फाउंडेशन लगा के उसको कंसील कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके बाल काले हैं, आपने ब्लीच नहीं किया है, तो वो काला उसको निकालने के लिए हमने ग्रीन यूज़ किया है, और उसके ऊपर हमने फाउंडेशन लगा के उसके ऊपर हमने ऑरेंज किया है, तो जब ब्लैक बाल है
उसको आप जब नहीं निकालते हैं तो हम उसको ऑरेंज लेवल पे लेके आके फिर फाउंडेशन लगा रहे हैं, तो फिर वो कंसीलर ऑब्जर्व हो जाता है, वो कंसीलर ऑब्जर्व हो जाता है। हमारे जो सातवें स्टूडेंट हैं उनका नाम है सोनर चौहान। ये हमारे साथ बहुत पीछे से जॉइंट हुए हैं और आज जो उन्होंने वर्क किया है, जो मॉडल को लेके आए हैं, वी आर प्राउड ऑफ देम। जिनको पढ़ना लिखना बहुत ही कम आता है, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, शायद हिंदी में भी आज हमें जवाब न दे पाए, वो पालनपुर से हैं और हम उनकी पालनपुर की भाषा जानना चाहते हैं। सोनर जी, तो आप हमें ये बताइए कि आपने इतना अच्छा मेकअप किया है, आपने बहुत ही 2-3 दिन में ही सीख के ये मेकअप किया है। सोनल जी, आपने बहुत ही अच्छा किया है, आपने अपनी भाषा में जो भी समझाया आई थिंक बेस्ट किया है। और सोनल जी, एवास की तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट, आप आगे प्रगति बहुत अच्छी करेंगे और बहुत ही अच्छा आपने किया है। हमारे सारे स्टूडेंट आपके काम से इम्प्रेस्ड हैं। क्या कहना है दोस्तों? नरेश भी, आप आई थिंक आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बिल्कुल सामने ही इनकी चेहरे मेकअप करते हैं, आप उनको मेकअप करते हुए देखते भी हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये देखता हूँ, ये ऐसे तो ये वर्कशॉप में पीछे से आए हैं हमारे बाद में, फिर भी इतना अच्छा मेकअप कर सकते हैं। प्रसन्न घुमाना के जो स्टाइल है उनका, जो मेकअप लगाने का उनका जो स्पंज घुमाते हैं, उन्होंने जो आईलाइनर किया है सबसे हटके किया है, दोनों आईलाइनर को एकदम अलग से दिखा के इन्होंने किया है और एकदम परफेक्ट करेक्शन मुझे दिख रहा है। जो थोड़ा बहुत करेक्शन है वो तो इनको पहली बार ही शायद उन्हें ऐसा मेकअप किया होगा, क्यों मैम? हाँ, तो इतना अच्छा मेकअप बहुत बढ़िया है, मैं अंदर की खुशी नहीं व्यक्त करता। और सोनल जी, ऑल दी बेस्ट। और हमारे जो आठवें कंटेस्टेंट हैं, हमारे जो आठवें स्टूडेंट हैं, किरण जी हैं जो राजकोट से हैं, और उनकी हम जो काठियावाड़ी भाषा है हमें बहुत अच्छी लगती है। तो किरण जी, आप अपनी मॉडल बताएं। तो किरण जी, आपने जो इनका मेकअप किया बहुत चैलेंजिंग था। शीला जी साउथ इंडिया से हैं और आपने उनको पूरा नॉर्थ इंडियन बना दिया है, गोरे गोरे। तो आप हमें बताइए कि इसका राज क्या है और आपने ये कैसे किया, और बीच में रेड बिंदी भी लगाई है, आप डबल चीन है उसको, उनको आपने दबाया है, काउंटरिंग का शेड लिया है, एवास का जो 45-47 है वही लिया ऐसा लग रहा है, और ड्यूअल फाउंडेशन का 31-32 शेड यूज़ किया है आपने। लिप का शेप भी बहुत अच्छा दिया है, आई थिंक जब उनके लिप्स हैं वो बाहर का जो आउटर लाइन है, जो लिप लाइन है वो शायद डार्क था, आई थिंक उसी की वजह से आपने ये ब्राउन लिया ऐसा लग रहा है। और जो रेड लिपस्टिक है वो आपने दुपट्टे के साथ मैच की है, जो बिंदी के साथ भी आपने मैच की है। थैंक यू सो मच किरण जी, आपने बहुत ही अच्छा किया है। आप कितने टाइम से मेकअप करते हैं? मैं तो मेकअप तो 2-3 ही मेकअप किए हैं अभी मैंने। तो ये आपका दूसरा या तीसरा मेकअप है, उससे पहले आपने कोई मेकअप किया है? नहीं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम किया। तो आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे? अपनी मॉडल को टीवी पे तैयार हुए देख के आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको एवास एकेडमी में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और मैं अब ऐसा लगता है कि मैं अब ब्राइड कर सकती हूँ। आप आराम से ब्राइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो किरण जी का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि बाद ही ये अपनी खुद ब्राइड और खुद मेकअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच किरण जी, आप एवास एकेडमी के लिए बहुत ही प्राउड हैं, और थैंक यू सो मच। हमारे जो सबसे पहले स्टूडेंट थे मंदीप जी, सबका फेस रीड कर के उनको इतना अच्छा लगा, इतने डीप उतर गए कि शीला जी के लिए उनके पास एक क्वेश्चन है, आइए उनका जवाब देते हैं। मैम, क्वेश्चन जो नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। हाँ जी। जैसे डबल चिन जैसे इनका है, ठीक है, तो उसमें हम कटिंग काउंटरिंग जो है वो कहाँ तक दे सकते हैं?
आप देखें तो अपने जो शिलाई जी हैं, आप लेफ्ट साइड उनका फेस करते हैं और राइट साइड उनका फेस करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो उनका काउंटरिंग है वो उन्होंने सिर्फ 2 इंच के हिस्से में किया है। तो ये काउंटरिंग आपको नीचे गले तक लेके जानी है। और आप अगर डबल चिन देख रहे हैं, अगर शिला जी सीधा देखेंगे तो आपको वो डबल चिन 2 इंच के हिस्से में जा रहा है काउंटरिंग, उसके बाद काउंटरिंग नहीं है। तो वो काउंटरिंग आपको नीचे तक ले जानी है, प्लस जो काउंटरिंग का शेड है जो चीन के पास है जहाँ पे डबल चीन है, तो आई थिंक मैं एवास का जो इन्होंने 45-46 यूज़ किया है, मैं 47-48 से लेके उसको काउंटरिंग करके 45 तक शेडिंग दे सकती हूँ। तो वही करना है, तो आपको थोड़ा सा डार्क करना है और आपको मेक श्योर करना है कि डबल चीन जहाँ तक ख़त्म नहीं होती है वहाँ तक आप इसका काउंटरिंग लें। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे इनकी आँखें छोटी हैं पहले से, उनका फेस थोड़ा सा बड़ा है राउंड शेप में, तो आँखें छोटी है, तो हम उनकी जो लाइनर है वो इतनी मोटी रखें तो थोड़ा सा और छोटा लगता है, तो ऐसे किसे कैसे बेटर किया जा सकता है? अगर आप देखें तो अगर शिला जी आईज क्लोज करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि इनकी जो आईज है, जो आईलिड है, उसमें बहुत सारी झुर्रियाँ भी है। तो अगर कुछ मीडियम आईलाइनर आप करेंगे तो वो कटा कटा लगेगा। तो मुझे लगता है कि किरण जी ने जब ये आईलाइनर करने की कोशिश की तो जब उन्होंने आईब्रो को लिफ्ट किया, जब उनको वापस रखा, तो वो करते करते इनसे आईलाइनर मोटी हो गई है। सही है किरण जी, है ना? तो तब आपको ये करना है कि जो मैंने आपको सबसे पहला स्टाइल दिखाया था कि आपको अपनी आईलाइनर को अपनी आईलैशेस के साथ, अपना जो अपने जो मॉडल है उनके आईलैशेस को पैरेलल करते हुए आपको आईलाइनर लगाना है। तो वो 90 डिग्री एंगल, आईज से 90 डिग्री एंगल से आप जाएंगे बाहर की तरफ, तो इनकी आईलाइनर सबसे पहले मोटी नहीं होगी। जब आपके आपसे कोई गलती हो जाती है तो उन्होंने कोशिश की है कि जो आईलाइनर है उनकी जो ऊपर की जो आईलिड है वो ही दिख रही है, और उसके बाद सीधा उनका उनका सीधा जो फोल्ड आ रहा है आईज का, तो उसके कारण आईज अगर ये आईलाइनर नहीं करते तो और छोटी लगती। तो इसको और बड़ा करने के लिए सिर्फ वो पैरेलल आईलैशेस के साथ पैरेलल आईलाइनर करना है और थोड़ा सा पतला दिखाना है, और जो पीछे वाला विंग्स दिया है मैं उसको थोड़ा सा लंबा कर देगी, लंबा कर देगी, बड़ी दिखेगी। और जो आगे भी उन्होंने निकाला है बहुत ही कम निकाला है, जो टीयर ड्रॉप्स है वहाँ से मैं आईलाइनर को थोड़ा लंबा खींचती नोज की तरफ और नीचे की तरफ थोड़ा ले जाती, तो आईज बड़ी दिखती। कैसा लगा दोस्तों? मैं जानता हूं आपको अपने क्वेश्चन के आंसर भी मिल ही गए होंगे, तो आइए देखते हैं नए अगले एपिसोड में हम और क्या सिखाने वाले हैं। जुड़े रहिए तब तक आवास मेकअप मैजिक में। टिल देन बाय। Magic.